पहली मैं मुझे एज ए सैंड आर्टिस्ट के नाम से मीन्स क्या है कि एक नाम होता है अपना, एक पहचान होती है, वो पहचान मेरी सैंड आर्टिस्ट के नाम से जानी जाती है। मेरा जो पढ़ाई का फेज़ है वो बहुत ही अच्छा रहा, जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम अब मैं इसको लिंक कर रहा हूँ अपने आर्ट के साथ जो कि मेरा मेन मोटिव है। तो जब मैं सिक्स्थ में था तो मैंने स्केच बनाना स्टार्ट किया या कार्टून्स, उन दिनों क्या था कि बचपन में कार्टून्स ही ज़्यादा दिखाई देते थे, तो टॉम एंड जेरी या मिकी माउस व्हाटएवर, तो मैंने वो बनाना स्टार्ट किया। उसके बाद जब नाइन टेंथ में थोड़ी सी क्या है कि क्लासमेट्स के लिए मैं प्रैक्टिकल्स बनाता था, प्रैक्टिकल्स में डायग्राम्स एंड ऑल दैट, तो मैं उनकी हेल्प करता था और अल्लाह ताला ने मुझे एक ब्लेसिंग प्रोवाइड करा दी, दैट इज़ आर्ट, मेरे हाथ से कभी कलम छूटा नहीं। स्केचिंग के बाद मैं पोर्ट्रेट्स वगैरह कॉलेज में बनाता था, तो मेरी अच्छी खासी अर्निंग हो जाती थी वहाँ पर, तो पॉकेट मनी निकल जाता था मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद रिसेंटली क्या हुआ कि मैं स्टार्ट किया सैंड आर्ट। सैंड आर्ट मैंने कमाने के लिए नहीं रखा है, बिकॉज़ ये मैंने रखा है अपने कश्मीर को उबारने के लिए। वैसे पर्टिकुलरली अगर आप सैंड आर्ट में बोल रहे हैं तो मैं बच्चों को अभी सिखा रहा हूँ। मैं अभी ग्लोबल मल्टीकल्चरल फेडरेशन के साथ मैंने टाई अप कर लिया है, मैं उनका आर्ट डायरेक्टर हूँ। तो वो ग्लोबली क्या करते हैं, वो ग्लोबली जाते हैं किसी भी कंट्री में, फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं वो, और वो कश्मीर की कहानियाँ डिपिक्ट करते हैं वहाँ पे। तो थ्रो सैंड आर्ट मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं अभी बच्चों को सिखा रहा हूँ, मैं एक टीम बनाना चाहता हूँ अपनी, जो कि फिर कश्मीर की कहानी या किसी की भी बायोग्राफी और क्या है कि अपनी कश्मीरियत दिखा सके थ्रू आउट द वर्ल्ड।